पागल आंखों वाली लड़की पार्ट 3। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वो जिंदगी से तंग आ गई थी, वो फरार चाहती थी, मरने की दुआएं मांगती थी, मगर मौत मांगने वाले को मौत नहीं मिलती और जिंदगी मांगने वाले को जीना नसीब नहीं होता। रमज़ान का आखिरी रोज़ा था। बाबा की तबीयत आज फिर बिगड़ गई थी। हॉस्पिटल से वापसी पर बिस्तर पर लेटे बाबा ने इसे पुकारा, ईशा पुत्री। जी बाबा। पुत्री, एबटाबाद चले? बाबा, मैं इस शहर में नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूँ मरने के बाद मुझे एबटाबाद की ज़मीन नसीब हो। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, देखना भले चंगे हो जाएंगे आप। वो इन्हें हौसला देने लगी। एक साथ कई दुखों ने से आ गिरा था, थका दिया था जिंदगी ने उसे। हकीकत तो ये थी कि वो खुद भी इस शहर से दूर जाना चाहती थी। इस शहर में जई की खुशबू इसे तंग करती थी। इसके बाइक की आवाज़ पिघले हुए शीशे की तरह महसूस होती। बस शहर में मेरे लिए आता है, ये जुमला इसे रात में सोने नहीं देता था। इसने सुना था, जिस मोहब्बत का आगाज़ और इजहार औरत की तरफ से हो, उस मोहब्बत की कोई औकात कोई मंजिल नहीं होती। वाकई वो मान गई थी। और फिर जब आगाज़ और इजहार में पहल इसी ने की थी, तो अब मोहब्बत का अंजाम भी इसे ही करना था। रिश्तों में दूरी तो वो कर चुका, अब बस रास्तों में दूरी बाकी थी। वो बाप बेटी दोनों फरार चाहते थे, मगर शहर बदलने से दिलों पर छाए बोझ कहाँ कम होते हैं। फरार सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है, और वो थी मौत। और दोनों में से किसी एक को नसीब होनी थी। प्रॉपर्टी डीलर के हाथ घर बेच कर उन्होंने बाकी का कर्ज अदा कर दिया था। ईद उल फितर के पाँचवें रोज़ उन्होंने अपने इस घर को आखिरी बार नज़रों में भरा और ट्रेन के जरिए एबटाबाद के लिए निकले। नेक्स्ट सीन। घर की दहलीज से गले के आखिर तक हर कदम के साथ आंसू इस शहर की ज़मीन में जब्स होते रहे। सुबह बाद 10 बजे गलियां सुनसान थी। वो ज़मीन पर बैठी और मुट्ठी में रेत को भरकर टिश्यू पेपर में बंद कर दिया। जिस शहर को तेरे कदमों ने छुआ, वल्लाह मैं उस मिट्टी के सदके। वो रो रही थी। उसने आसमान की तरफ नज़र उठाई। पानी की चंद बूंदें इसके चेहरे पर पड़ी तो इसके जाने पर आसमान भी रो रहा था। घर से प्लेटफार्म तक के रास्ते वो रोती आंखों से आंसू खुश्क करती और इस शहर की एक एक गली को अपनी आंखों में भर लेती। ट्रेन ने सायरन देकर झटका खाया। कराची के रेंगते मंजर इससे खोने लगे। वो अब भी रो रही थी। इसके आंसू ट्रेन की खिड़की को गीला कर रहे थे। और रोना तो शायद इसकी किस्मत में लिख दिया गया था। वो इसे इसके लिए छोड़ाई थी जिसके लिए वो इस शहर आता था। नेक्स्ट सीन। एबटाबाद आए हुए इन्हें 15वां रोज़ था, जब इसके बाबा को शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल से वापस लाया गया था। किसी ने जब इससे कहा कि तुम्हारे बाबा को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, वो चीखी और लड़ने लगी, डॉक्टर्स खुदा तो नहीं है जो जवाब दे दें। फिर एक सुबह इसकी आंखों के सामने इसकी ज़िंदगी उजड़ गई। बाबा भी इसे छोड़ गए। कराची से इसे सब फ्रेंड्स की कॉल आई, सिवाय जई के। मर्द भी बड़ी अजीब शे है, औरत की आंखों से सितारे नोश कर इसे बेनूर करके लावारिसों की तरह फेंक जाता है। और फिर लावारिस कब्रों पर दुआएं कौन करता है। नेक्स्ट सीन। बाबा की डेथ के 20वें रोज़ इसे फरवा की कॉल मिली तो उसे पूछा। उसे बाबा की डेथ का बताया था फरी? हाँ, क्या कहा उसने? वही बात जो तुम्हें हमेशा कहता था। कह रहा था सभी ने मरना है। अभी वह उस जुमले से नहीं निकली थी कि फरी का एक और जुमला इसकी रूह कब्ज कर गया। इशे, वो शादी कर चुका है। जिस दिन अंकल की डेथ हुई थी उस शाम सही की मायो थी। शायद
इससे आगे भी फड़ी ने कुछ कहा होगा, मगर फ़ोन पर इसकी गिरफ्त इतनी ही रह सकी और फ़ोन इसके हाथ से फिसलता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। अपने बिस्तर पर बहुत देर से नींद दराज सोचती हूँ वह इस वक्त कहाँ पर होगा। मैं यहाँ हूँ मगर उस कूचा रंगो बू में, और उसकी तरह से वो आज भी आया होगा। और जब उसने वहाँ मुझको न पाया होगा, आपको इल्म है वो आज नहीं आई है। मेरी हर दोस्त से इसने यही पूछा होगा, क्यों नहीं आई, वो क्या बात हुई है आखिर। खुद से इस बात पर 100 बार वो उलझा होगा। कल वो आएगी तो मैं इससे नहीं बोलूँगा, आप ही आप कई बार वो रूठा होगा। वो नहीं है तो बुलंदी का सफ़र कितना कठिन, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसने ये सोचा होगा। राहदारी में हरे लॉन में फूलों के करीब उसने हर सिमत मुझे आन के ढूंढा होगा। नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा, गहर महसूस तरीके से कहा होगा, एक चुमली को कई बार सुनाया होगा, बात करते हुए 100 बार वो भूला होगा। ये जो लड़की नहीं आई है कहीं वो तो नहीं, उसने हर चेहरा यहीं सोच के देखा होगा। जाने महफिल है मगर आज फकत मेरे बगैर, हाय किस दर्जा वहीं बस में तन्हा होगा। कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे, उसने भी साख्ता फिर मुझको पुकारा होगा। चलते चलते कोई मानूसी आहट पाकर दोस्तों को भी किसी उज्र से रोका होगा। याद करके मुझे नम हो गई होंगी पलके, आँख में पड़ गया कुछ कह के टाला होगा। और घबरा की किताबों में जो ली होगी पना, हर सित्र में मेरा चेहरा उभर आया होगा। जब मिली हुई इसे मेरी अलालत की खबर, उसने आहिस्ता से दीवार को थामा होगा। सोच के ये कि बहल जाए परेशान ये दिल, ही बेवजह किसी शख्स को रोका होगा। इत्तफाकन मुझे उस शाम मिली मेरी दोस्त, मैंने पूछा कि सुनो आए थे वो कैसे थे, मुझको पूछा था, मुझे ढूंढा था चारों जानिब। उसने एक लम्हा को मुझको देखा और फिर हंस दी। उस हंसी में तो वो तलखी थी कि उससे आगे क्या कहा उसने मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मालूम है ख्वाबों का भरम टूट गया, इतना मालूम है कि ख्वाबों का भरम टूट गया। शिकस्ता कदमों से वो कमरे से निकली और लॉन में लगी क्यारियों के पास जा रुकी। अब वो पहले पौधे पर लगे ताज़ा सुर्ख गुलाब की पत्तियाँ नोचने लगी थी। आई गेट सही, आई गेट एवरीथिंग, आई लॉस्ट सही, आई लॉस्ट एवरीथिंग, एक एक करके सारे फूलों की पत्तियाँ इसने उठेर डाली थी। क्यारियाँ अपनी उचरी हालत को रो रही थी और ज़मीन पर पड़े फूल अलग रो रहे थे। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो गले में लिपटा दुपट्टा उतार कर ज़मीन पर फेंका और खुद ठंडे फर्श पर सीधा लेट गई। इसकी आँखों के किनारों से आंसुओं की लाइनें अब फर्श को गीला कर रही थी। इसका बेआवाज रोना अब सिसकियों में ढल गया था। अगली सुबह बाबा की कब्र पक्की होनी थी। सारी रात रोने से भी इसके आंसू खुश्क नहीं हुए थे, वो सारा दिन भी रोती रही, दीवार से पुश्त लगाए। खामोशी से आंसू थे कि किसी रेले की तरह बहे जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद पुरसा देने वाली खवातीन इसके पास आती, इसके बहते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती, इसे गले से लगाती, दिलासा देती और सब्र की दुआ देकर चली जाती। वो किस किस गम पर रोती, किस किस पर दिलासा मांगती। कोई एक गम तो नहीं था इसका, कुछ गम तो इसने खुद खरीदे थे। जब हमारे गुनाहों की तादाद बढ़ जाती है ना, तो हमारे दुखों की फहरिस्त भी इसी हिसाब से लंबी हुई चली जाती है। दिलासा देने वाले क्या जाने, हम एक शख्स नहीं कायनात हारे थे। नेक्स्ट सीन। डायरी लिखते जाने कब इसकी आंख लगी और वहीं टेबल पर सर रख कर सो गई। आसिया खातून की किसी पहर आंख खुली, इसे यूं बेतरतीब सोते देखा तो उठकर इस तक आई, इसे जगाया। किसी के झंझोड़ने पर इसकी आंख खुली, डायरी बंद करके वो बिस्तर पर आकर लेट गई। तकिया फिर भीगने लगा। तेनू पर्रा में छावा रातों रात पुल जा,
ਕਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਨ, ਵਾਸ ਵੀ ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਝਾੜੀਓ ਮੈਂ ਫਸੀ ਬੈਠੀ ਥੀ ਔਰ ਇਸਕੇ ਜਿਸਮ ਸੇ ਖੂਨ ਰੁਸ ਰਹਾ ਥਾ। ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਨੋਕੀਲੇ ਕਾਂਟੇ ਫਸਨੇ ਸੇ ਹਾਥ ਖੂਨ ਆਲੂਦ ਹੋ ਰਹੇ ਥੇ। ਵਾਸ ਵੀ ਮੈਰੂਨ ਚਾਦਰ ਮੇਂ ਚਿਹਰਾ ਢਾਂਪੇ ਥੀ, ਵੋ ਰੋ ਰਹੀ ਥੀ। ਇਸਕੇ ਆਂਸੂ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਬਹਿ ਕਰ ਇਸਕੇ ਚਾਦਰ ਕੋ ਗੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਦੇਖਾ ਇਸਕਾ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਤਰਫ ਝੁਕਨੇ ਲਗਾ ਥਾ, ਜੈਸੇ ਵੋ ਖੁਦ ਕੋ ਕਾਂਟੋਂ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਬੇਬਸ ਹੋ। ਉਸਕਾ ਜਿਸਮ ਹਲਸ ਰਹਾ ਥਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਉਸਕੀ ਸਿਸਕੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਚਲਤਾ ਹੁਆ ਇਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰੁਕਾ ਔਰ ਇਸੇ ਪੁਕਾਰਾ, ਸੁਣੋ ਪਾਗਲ ਆਂਖੋਂ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ। ਸਿਸਕੀਆਂ ਥਮੀ ਔਰ ਪਾਗਲ ਆਂਖੋਂ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਰ ਉਠਾ ਕਰ ਇਸੇ ਦੇਖਾ। ਮੈਰੂਨ ਚਾਦਰ ਮੇਂ ਵੋ ਆਂਸੂ ਭਰੀ ਆਂਖੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋ ਉਠੀ। ਇਸਨੇ ਗੌਰ ਕੀਆ, ਇਨ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਕਿਨਾਰੋਂ ਸੇ ਆਂਸੂਓਂ ਕੀ ਸਫੇਦ ਲਾਈਨੇ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਕੇ ਸੁਰਖ ਕਤਰੇ ਟਪਕ ਰਹੇ ਥੇ। ਇਸੇ ਕੈਸੀ ਆਈ ਥੀ? ਵੋ ਡਰ ਕਰ ਦੋ ਕਦਮ ਪੀਛੇ ਹਟਾ ਤੋ ਇਸੇ ਲਗਾ ਵੋ ਕਿਸੇ ਊਚੇ ਪਹਾੜ ਸੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋ। ਵੋ ਸੋਤੇ ਮੇਂ ਚੀਖੇ ਮਾਰ ਰਹਾ ਥਾ ਜਬ ਕਿਸੀ ਨੇ ਇਸੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿਨਝੋੜਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਂਖੇ ਖੋਲੋ। ਵੋ ਇਕਦਮ ਖਵਾਬ ਸੇ ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਠੰਡ ਮੇਂ ਵੀ ਵੋ ਪੂਰਾ ਪਸੀਨੇ ਸੇ ਭੀਗਾ ਹੁਆ ਥਾ। ਫਿਰ ਵਹੀ ਖਵਾਬ ਦੇਖਾ ਥਾ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪਾਣੀ ਕਾ ਗਲਾਸ ਇਸਕੀ ਤਰਫ ਬੜਾਇਆ। ਤੀਨ ਸਾਹਸੋਂ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਰ ਇਸਨੇ ਗਲਾਸ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਪਰ ਰੱਖਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ, ਆਪਕੀ ਬਹੂ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਾਕਸ ਸੇ ਟਿਸ਼ੂਸ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕੀਆ। ਕੁਛ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁਆ? ਪਾਗਲ ਆਂਖੋਂ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ, ਯੇ ਕੈਸਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਬਾਬਾ, ਵੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤੀ, ਬਸ ਰੋਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਸਕੀ ਆਂਖੇ ਬਾਬਾ, ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਇਸਕੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦਫਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆਂਖੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਪਤਾ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਕਾ, ਤੁਮ ਸੋਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਕੀ ਬਹੂ ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਕਭੀ ਮਿਲੀ ਤੋ ਕਾਨ ਖੀਚੇਗਾ ਉਸਕੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਵੋ ਹੱਸੇ, ਆਪ ਜਾ ਕਰ ਸੋ ਜਾਏ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ। ਚਾਹਤੇ ਹੋਏ ਵੋ ਗੇਟ ਲੌਕ ਕਰ ਗਏ ਥੇ। ਵੋ ਉਠਾ ਔਰ ਵਜ਼ੂ ਬਣਾ ਕਰ ਤਾਜੁਦ ਕੇ ਲਿਏ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਬਿਛਾਣੇ ਲਗਾ। ਯੇ ਖਵਾਬ ਵੋ ਤਬ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਥਾ ਜਬ ਵੋ ਤਫਰੀਹ ਕੇ ਲਿਏ ਫਰੈਂਡਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਿਆ ਹੁਆ ਥਾ। ਵਾਪਸੀ ਪਰ ਪਲੇਨ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਔਰ ਨੀਂਦ ਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਖਵਾਬ ਇਸਨੇ ਯਹੀ ਦੇਖਾ ਥਾ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਪਰ ਅਕਸਰ ਯੇ ਖਵਾਬ ਇਸੇ ਰਾਤੋਂ ਮੇਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦੇਤਾ ਥਾ। ਇਨ ਖਵਾਬੋਂ ਔਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੋ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਤਾ, ਬੇਮਕਸਦ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਗਾੜੀ ਦੁਹਰਾਤਾ, ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਕੋ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖਤਾ ਕਿ ਕਹੀਂ ਵੋ ਤੋ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮੈਰੂਨ ਚਾਦਰ ਕੇ ਪੀਛੇ ਇਸੇ ਪਾਗਲ ਆਂਖੋਂ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਕਾ ਗੁਮਾ ਹੋਤਾ, ਮਗਰ ਇਸਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਥੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਨ, ਸੁਬਹਾ ਜਬ ਵੋ ਸੋ ਕਰ ਉਠੀ ਤੋ ਮੂੰਹ ਧੋਨੇ ਵਾਸ਼ ਬੈਸਨ ਕੇ ਕਰੀਬ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਕੇ ਛਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਮਾਰ ਕਰ ਵੋ ਆਇਨੇ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦ ਚਿਹਰੇ ਔਰ ਆਂਖੋਂ ਕੋ ਦੇਖਨੇ ਲਗੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਕਲ ਰਾਤ ਕੇ ਦਰਦੇ ਸ਼ਕੀਕਾ ਕੀ ਬਾਕੀਆਤ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਥੀ। ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਮਹਾਵਤ ਸਾਲੋਂ ਕੀ ਸਖਤੀਆਂ ਇਸਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਥੀ। ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਹਿਰੇ ਸਿਆਹ ਹਲਕੇ, ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਤੀ ਸਰਦੀ ਔਰ ਸਰਦੀ ਸੇ ਝਾਂਕਤੇ ਸੁਰਖ ਰੇਸ਼ੇ, ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਬਸ ਉਂਗਲੀਓਂ ਪਰ ਗਿਨੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਥੀ। ਵੋ ਐਸੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਥੀ? ਇਸੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੀ ਨੇ ਇਸਕੀ ਮੇਲ ਕੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕਰ ਕਹਾ ਥਾ, ਹਾਏ ਗੁੜੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ ਕਸਮ ਸੇ, ਇਤਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗੁੜੀਆ ਜੈਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਆ? ਕਿਆ ਜਬ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਉੱਠਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ, ਕਰਕੇ ਮੁੰਨਾ ਸਾ ਹਵਾਓਂ ਮੇਂ ਉਛਾਲੇ ਤੁਮਕੋ। ਵੋ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਕੋਇਆ ਹੁਆ। ਵੋ ਹੱਸ ਪੜੀ, ਸੱਚ ਈਸ਼ੇ, ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਤੀ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਬਤਾਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਮਾਰੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਹਿਜੇ ਮੇਂ ਸਿਮਟੀ ਸ਼ਿੱਦਤੇ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਮਿਲ ਲੋ ਨਾ ਮੁਝਸੇ, ਤੁਮ ਜਹਾਂ ਕਹੋਗੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਕ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਹੋਟਲ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਜ ਵੀ ਸੇ ਮਿਲਣੇ ਪਰ ਉਕਸਾ ਰਹਾ ਥਾ। ਵੋ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ ਕਭੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਅਕੇਲੇ ਮੇਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਥੇ। ਗੋਕੇ ਸੇ ਜਈ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮਿਲਣੇ ਆਓ, ਮਗਰ ਵੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਥੀ। ਮੁਝੇ ਮਿਲਣੇ ਸੇ ਡਰ ਲਗਤਾ ਹੈ ਸਹੀ। ਕੈਸਾ ਡਰ? ਹਮ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਾਰ। ਵੋ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ, ਮਗਰ ਮਿਲਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੇ, ਮਿਲਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕਰ
बार बार मिलने की ख्वाहिश सर उठाने लगती है, तिश्ने की और बढ़ जाती है। वो खामोश रहा तो इश्नाल बोल पड़ी, एक बार मिलेंगे ना हम हमेशा के लिए, तुम मुझे मांगने आना और अपने साथ ले जाना। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला, ईशे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मगर वो अभी इसकी बात पूरी सुन नहीं पाई थी कि पीछे से इसे अम्मी की आवाज़ आई। सही, अम्मी आ रही हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। और सही का मगर सुनने से पहले ही कॉल कर चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली औरत थी जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुद निकाह का पैगाम भेजा था। यूँ अल्लाह ने औरत को ये इजाज़त दी थी कि अगर इसे किसी की आदत या अखलाक पसंद आए तो वो इसे निकाह का पैगाम खुद दे सकती है। मगर अफसोस, हमारे मुआशरे में कुछ लोग औरत के इस अमल को औरत की तोहीन समझते हैं, या ऐसा करने वाली लड़की को हकारत की नज़र से देखा जाता है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को निकाह के लिए कहती है तो वो इस नामहरम को महरम बनाना चाहती है, इस रिश्ते को जायज़ नाम देना चाहती है। बस अगर निकाह के पैगाम पर वो लड़का भी राज़ी हो तो देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि औरत और मर्द के दरमियान शायद रिश्ता ना हो तो वो ताल्लुक गुनाह होता है। अगर कोई शख्स आपके निकाह के पैगाम को इनकार कर देता है, भले ही इसकी 100 मजबूरियाँ क्यों ना हों, उस शख्स से ताल्लुक हराम हो जाता है। जो जायज़ रिश्ता नहीं रख सकता, इसके साथ नाजायज़ रिश्ते तोड़ देने चाहिए। इसी वक्त उसी लम्हे वो जान गई थी मगर इसके आगे के सारे लफ्ज़, मगर वह दुआओं से तकदीरें बदल देना चाहती थी। इसे सुना था कि मोहब्बत में सदक ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती, इसलिए वो दिल की तमाम तर सच्चाइयों के साथ दुआ में सही का साथ मांगने लगी थी। उसे याद था इस रात जाने कितने दिनों बाद उसने तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर दुआ मांगी थी कि कोई मौजज़ा उसे मेरा कर दे। अच्छी लड़कियां बुरी बन जाएं तो फिर कभी ना कभी अपनी पुरानी नेकियों के बदले में अल्लाह से मौजज़े की आस लगा लेती हैं, हालांकि इनके अमाल ऐसे भी नहीं रहे होते कि वो बख्शी जा सके। एक धोखा इसे ज़ई ने दिया था, एक धोखा वो खुद ही को दे रही थी। आईने में इसका अक्स फिर बन चुका था, आँखों के डोरे सुर्ख हो चुके थे। इसने अपने बड़े हुए नाखूनों से अपने चेहरे को माथे से थोड़ी तक खुरचना शुरू कर दिया। वो दोनों हाथों के नाखूनों से चेहरे को नोच रही थी, खुरची गई जिल्द पर खून की धारें बनती गईं। नफ़रत है मुझे अपने चेहरे से, नफ़रत है मुझे हर उस चीख से जिसमें मुझे तुम्हारा अक्स नज़र आता है। छताई जब लिखी जा रही होती है तो अपने अपने हिस्से की यादें भी वापस करनी चाहिए ना, तुम अपनी यादें मेरे पास क्यों छोड़ कर गए हो? क्यों सही, क्यों किया तुमने ऐसा? बेहिसी की इंतहा यह होती है कि हमें दूसरे के गुनाह तो दिखाई देते हैं मगर अपने नहीं। हमेशा की तरह इसका दिल आंसुओं को पीते पीते भर गया था, और आंसू बहा देना ही अच्छा होता है वरना दिलों पर बोझ बन जाते हैं। मगर कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो आंसू बहा कर भी कम नहीं होते। इसके हिस्से में सब्र शायद कम लिखा गया था। नेक्स्ट सीन, एबटाबाद आए इन्हें 6 महीने गुजर चुके थे। ये हवेली दादा ने अपनी ज़िंदगी में ही बाबा के नाम कर दी थी। वो माँ बेटी यहाँ अकेली रहती थी। दादा के 2 बेटे और भी थे, दोनों ही बाबा से छोटे थे। एक इस वक्त इस्लामाबाद में और दूसरे लाहौर में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। फुप्पियों के नाम पर इसके पास 2 रिश्ते थे, एक कराची में, दूसरी यहीं एबटाबाद में मुकीम थी। जब अपनी औलाद जवान हो जाती है तो दूसरों की औलाद चाहे जितनी ही अजीज़ क्यों ना हो पर आई ही रहती है। सब अपनी अपनी लाइफ में मगन थे, बस एक बड़े पुप्पो का गढ़ ही था जहाँ अरिशा भी ब्याही थी। बस एक वही रिश्ता था जहाँ के मकीन इनके दुख को अपना समझते थे। मगर ज़िंदगी यूँ दूसरों के सहारों पर नहीं गुजर सकती। इसकी तालीम अभी मुकम्मल कहाँ हो पाई थी कि वो किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती। तालीम के साथ तजुर्बा भी मांगा जाता था। इसने तो अभी BA भी मुकम्मल नहीं किया था कि तूफान आ पहुँचे। जो भी बहरहाल इसे ही कुछ करना था, कम से कम इतना कि वो माँ बेटियाँ अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकें। इसने
करीब ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी थी। औरत की टीचिंग से हासिल होने वाली आमदनी मर्द की आमदनी के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा ही बहुत था। अल्लाह जब बाप जैसे मजबूत और वाहिद सहारे छीनता है तो किसी ना किसी को वसीला बना ही देता है। स्कूल से वापस आती 1:30 बज जाता। नमाज के बाद खाना खाकर कुछ देर सुस्ताने को लेटती कि ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते शाम में। जिंदगी की यही रूटीन थी, वो खामोश तबे शुरू से थी, मगर अब तो ऐसे चुप लग गई थी कि इतनी बड़ी हवेली में सन्नाटे छाए रहते। बस ये हवेली गूंजती तब जब अरिशा आपी और अशिया बच्चों के साथ आती थी। नेक्स्ट सीन। आज वो किसी गंदे जोहर में बुरी तरह फंसी हुई थी। इसका आधा धड़ कीचड़ में फंसा था और आधा ऊपर। वो खुद को कीचड़ से निकालने की कोशिश में हाँप रही थी, मगर ना वो मुकम्मल ऊपर आ पाती ना ही मुकम्मल नीचे। कीचड़ से इसके हाथ भरे हुए थे, बालों पर कई जगह छींटे पड़े थे, मैरून चादर पर जा बजा कीचड़ के धब्बे इसे बदनुमा बना रहे थे। आज फिर वो इसे पुकारे बिना न रह पाया। पागल आंखों वाली लड़की, इसने फिर नज़रें उठाई। वहीं आंखों में हज़ार शकवे, वहीं सुर्ख खूनी आंसू। इन सुर्ख आंखों में पहले बेयकीनी उभरी, फिर खफगी में बदल गई। शाह ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, इससे पहले कि वह उसके हाथ को थाम लेता एक भूंचाल आया और जौहर ने इस लड़की को मुकम्मल तौर पर निगल लिया था। आज इसकी चीखें पहले से ज़्यादा ऊंची थी। वह अभी तक ख्वाब किसी कैफियत में था, तकिए पर सर रखे दोबारा लेट गया। शाह, एक बात पूछूं? वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेटे लेटे ही आँखें खोल कर बाबा को देखा। देखो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन पापा, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तुम हॉलीडेज़ पर फ्रेंड्स के साथ कैलिफोर्निया गए हुए थे। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मगर हो सकता है तुमने वहाँ, कभी कभी हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं ना। वो उठ कर बैठ गया। तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ? बाबा, मैं ब्रिगेडियर सैयद इब्राहिम शाह का पोता हूँ और रिटायर्ड कर्नल सैयद एहतशाम शाह का बेटा कैप्टन सैयद सिकंदर शाह हूँ। बाबा, हम लोग जान देना चाहते हैं, लेना नहीं। वो खफा हुआ था, इसे होना भी चाहिए था। मुझे फ़ख्र है अपनी तरबियत पर। कर्नल साहब ने इसके कंधे पर थपकी दी। वह अभी भी रूठा रूठा था। यार शाह, मुझे लगता है किसी को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो ना समझे कि कैफियत में बाप के चेहरे को देखने लगा। शायद कहीं कोई ऐसा है जो कुछ मुश्किल में है और खुदा ने तुम्हें उसकी मदद के लिए चुना है। अगर ऐसा है बाबा, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं? इससे बाप की तायद चाहिए। बिल्कुल, मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला मेरे बेटे को रास्ते और मंजिलें अता करे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने इसके सर पर बोसा दिया। थैंक यू बाबा। शाह ने बाप के दोनों हाथ चूम लिए। नेक्स्ट सीन। खूबसूरत से शाह विला का मंजर था ये, जहाँ ब्रिगेडियर सैयद इब्राहिम शाह के इकलौते बेटे लेफ्टिनेंट आर सैयद एहतशाम शाह अपनी बूढ़ी माँ और दो बेटों सैयद वहाज शाह और सैयद सिकंदर शाह के साथ रहते थे। इनके बड़े बेटे मेजर डॉक्टर सैयद वहाज शाह शादीशुदा थे और अपनी बीवी महवेश वहाज और बेटे सैयद वासे शाह के साथ शाह विलाह में रहते थे। सैयद सिकंदर शाह एयरफोर्स में अपने विंग के ग्रुप कैप्टन थे और इस वक्त अपनी छुट्टियां एंजॉय करने शाह विला में मौजूद थे। इनकी फैमिली पुश्त दर पुश्त फौज के साथ मुंसलिक रहती चली आ रही थी। बिलाशबा वह एक फौजी घराना था। नेक्स्ट सीन। वो सहन में बने क्यारियों के पास बैठी थी, जिस पर गुलाब के फूल लगे थे। ये पौधा आप ही लगा कर गई थी और अब जाकर इस पर फूल खिलने लगे थे। ताज़ा फूलों की खुशबू सहन में रची बसी थी। फूलों को देखते इसे फूल चेहरा नजर आया था और वह फिर माजी में पहुंच गई। तुम लड़की हो? अजीब सा सवाल पूछा गया। कोई शक है? हाँ, ना कोई चूड़ियाँ, ना पायल, ना बालियाँ, ना नोज रिंग। ऐसी लड़की सही ने पहली बार देखी है? वो हंसी और बोली, मैं बस ऐसी ही हूँ। मुझे ज्वेलरी से वहशत होती है, खासकर चूड़ियों से। जब छन छन करती हैं इनकी आवाज़ बुरी लगती है मुझे। कोई वहशत नहीं होती, मैं चूड़ियाँ भेजूँगा, पहन लेना,
मुझे मेहंदी और चूड़ियों वाले हाथ अच्छे लगते हैं। फिर जई ने इसे सुर्ख रंग के कांच की चूड़ियाँ भेजी जिसने पहन ली थी। ऐसे चूड़ियों के छन छन की आवाज़ से सुनाई थी। हाय, दिल चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूँ। सही की ऐसी बातों पर इसकी सांसें रुकने लगती थी। आई लव यू इशे, आई लव यू टू सही। और जब हकीकत मालूम हो जाए कि प्यार सारा फरेब था तो दुनिया ही नहीं अपना आप भी बुरा लगने लगता है। अब गुलाब के साथ लगे कांटे से दिखाई दिए, गुलाबों को छूने की खातिर जो हाथ इसने बढ़ाया था अब कांटों की तरफ जाने लगा था। मोटे नोकदार कांटों भरी टहनी इसने अपनी हथेली पर रख ली थी। काजल से पाक बेरंग आंखें ऐसे कांटों की आदि हो चुकी थी। कुछ देर बाद इसके हथेली से सुर्ख खून निचड़ने लगा था। कांटों से हाथ छुड़ाकर वह हथेली से टपकता खून देखने लगी थी। वह अज़ियत पसंद हो चुकी थी। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। नेक्स्ट सीन। सूरज की तेज़ शुआएं एबटाबाद शहर की सड़कों पर फैली हुई थी। शाह आज एबटाबाद किसी दोस्त से मिलने आया था और इस वक्त काफ़ी थकावट महसूस कर रहा था। इसने अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ सड़क किनारे रोकी। सड़क के मोड़ से कुछ लड़कियां नमूदार हुईं। इसकी नज़र सब लड़कियों से होती हुई अपनी जगह पलटने ही वाली थी कि इसे पीछे से आती हुई एक और लड़की नज़र आई। मैरून शाल में इसकी निगाहें उलझी। ये वही शाल थी जो इसकी पागल आंखों वाली लड़की के सर पर होती थी। अभी वो कुछ देर और मैरून शाल में उलझा रहता कि लड़की चलते हुए इसके करीब आई। वो गाड़ी से निकला, ग्लासेस उतारे। चूँ चूँ इनके दरमियान फासला कम होने लगा था। शाह पर इसकी आंखें वासे होने लगी। वो शाह से चंद कदमों के फासले पर थी जब मैरून शाल वाली की हिजाब में कैद आंखें सरा के सरा ऊपर उठी थी। शाह का सांस हवा में मौलक होकर रह गया था। वो अपना दूसरा पैर गाड़ी से निकालना भूल गया था। वो पलकें झपकने का हुनर भूल गया था। वो पास से गुजरते लोगों को भूल गया था। इसे याद रहा तो बस इतना, पागल आंखों वाली लड़की। वो ज़ेरे लब दोहराया। बिलाशबा वो पागल आंखों वाली लड़की ही थी। ऐसे लगा शायद वो अभी भी रात वाले ख्वाब के ज़ेरे असर हैं। मगर जब वो लड़की इसके सामने गली का मोड़ मुड़ी और सड़क के साथ बनी हवेली का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई, दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर वो हकीकत में पहुँचा। इसने अपनी तलाश को पा लिया था। नेक्स्ट सीन। शाह ने गाड़ी पॉर्च में पार्क की और तकरीबन भागता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ था। बाबा बाबा की आवाज़ें लगाता वो सामने से आती भाभी से टकराया। इनके हाथ में पकड़ी कच्चे चावलों की छोटी ट्रे, क्रश की आवाज़ के साथ सारे चावल जमीन बोस हो गए। अरे अरे क्या हो गया है, क्यों उतावले हो रहे हो, दुश्मनों ने फिर हमला कर दिया क्या? दादू ने दिल पर हाथ रखकर आवाज़ लगाई। सॉरी भाभी, शाह ने दोनों हाथ उठाकर माजरत तलब की। भाभी ने आँख के इशारे से बाबा का पता दिया। दो दो सीढ़ियाँ एक साथ फलांगते वो स्टडियो रूम में पहुँचा। दो जानों बाप के सामने बैठा और सर झुकाकर लंबे लंबे सांस देने लगा। सैयद एहतशाम शाह ने हाथ में पकड़ी किताब गोद में रख दी। खैरत शाह, इसने सर उठाया तो नीली आंखों की गिर्द सुर्ख रेशे दिखाई दिए। बाबा वो मुझे मिल गई है। इसका लहजा, इसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। सैयद साहब मुस्कराए और शाह के माथे पर चिपके बालों को उंगली की मदद से परे हटाया। बुरी बात कैप्टन, रोते नहीं हैं। वो हंस दिया और सर इनके घुटनों पर रख दिया। वो तो जानते थे ये खुशी के आंसू थे। मैंने कहा था ना, अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। पिछली बार जब मैं फ्रेंड्स के साथ एबटाबाद गया हुआ था, वहाँ रास्ते में ये लड़की मैंने देखी थी। वो बहुत खुश थी, इसके लहजे में ख्वाब बोलते थे। बाबा मगर अब इसकी आंखों में ख्वाब मर गए हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने इसकी आंखों से रोशनी चुरा ली हो। उसे मेरी नज़र लग गई है बाबा। उन्होंने अपने शहजादों जैसे फौजी बेटे को देखा जिसे इसके ख्वाबों ने कुछ हफ्तों में कुमला कर रख दिया था। सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसने बाप के घुटनों पर सर रख दिया। कैसे बाबा, कुछ सोचते हैं इस बारे में? तुम फ्रेश होकर आओ, लॉन में चाय खट्टी पीते हैं।
वो सर हिलाकर उठते हुए बाहर चला गया। ऐसे रास्ता मिल गया था, बस मंजिल तक जाना बाकी रह गया था। नेक्स्ट सीन। एबटाबाद शहर में सर्दियों की रातें इतनी खामोश होती कि गीदड़ों के हाउ हाउ की आवाज़ें साफ सुनाई जाती थी। शुरू शुरू में से खौफ आता था, मगर अब वो आदी हो गई थी। 31 दिसंबर की इस रात 11:35 पर वो राइटिंग टेबल के करीब डायरी लिए आ बैठी थी। 12:25 बाकी थे। साल का पुराना हिंदसा बदलने वाला था, इसे याद था। शहर कराची में आज का दिन ईद जैसा होता था। फटे साइलेंसर की आवाज़ें 12 बजते ही, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, लोगों की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ें वो घर बैठे सुन सकती थी। लेकिन आज के दिन सिर्फ कैलेंडर का साल ही नहीं बदलना था, दिन किसी के बर्थडे का दिन भी था। वो चंद साल पीछे चली गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सई, थैंक यू सो मच मेरी जान, यू मेड माय डे ब्यूटीफुल। कैसे लगा गिफ्ट? बहुत प्यारा, वंस अगेन थैंक यू। मैंने पहन भी ली, देखो। एक तस्वीर इसे इनबॉक्स में मिली, सई के हाथ पर बंधी रिस्ट वॉच जिस पर इसने अपने लब रखे थे। ईशे की गाल दिश कर उठे। वैसे ये रिस्ट वॉच क्यों? वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ ये घड़ी तुम्हें हर घंटे के साथ याद दिलाए कि कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और दिन के इतने सारे वक्त में से तुम्हें कुछ हिस्सा निकाल कर इसके लिए भी रखना है। अच्छा जनाब, और कोई हुक्म? और केक कब खिला रहे हैं? आ आ आ करो, खिलाता हूँ। वो हंसने लगी। अब एक अर्ज मेरी भी है, कहिए। आज की रात मेरे नाम, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ पूरी रात, मगर सही चांद प्लीज़ इनकार नहीं। अच्छा ठीक है। वो मान गई कि वो इसे खोने से डरती थी और वो सही को खोना नहीं चाहती थी। इसके लिए सही सब कुछ था। इसे 11 बजे के बाद सेलफोन यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। आज से पहले वो हमेशा सही से माजत करके चली जाती थी, मगर आज सही के इसरार पर सही के लिए इसने अपना एक और उसूल तोड़ा था। खट खट की आवाज़ों से वो हाल में लौटी, शायद कोई बिल्ली छत पर भागी थी। 12:05 बाकी थे। इसने सेलफोन उठाया, व्हाट्सएप खोला और अचीव्ड चैट मैसेज सही के नंबर पर क्लिक किया। टाइप मैसेज में एक जुमला टाइप किया, हैप्पी बर्थडे सही, और फिर सेंड के ऑप्शन को टच करके रवाना कर दिया। मगर इसे डबल क्लिक रिसीव नहीं हुआ था, न इसका भेजा इश्नान गया, न टिक मार्क ब्लू हुआ। शायद नहीं, यकीनन वो ये नंबर ख़त्म कर चुका था, या फिर मुमकिन है वो व्हाट्सएप ख़त्म कर चुका था। वो जानती थी इसे कोई रिप्लाई नहीं मिलना। वो हमेशा इसे एक शेर सुनाती थी, लावारिस कब्रों पर दुआएं कौन करता है, जिस पर वो कहता था मैं करूँगा ना दुआएँ, मगर ईशे ठीक कहती थी, जई इसे लावारिस कब्र बनाकर फेंक गया था। मोबाइल साइड पर रखकर इसने डायरी को खोला और ग्रीन रंग के कलम का ढक्कन हटाकर कलम को डायरी पर घसीटा। सुर्ख रंग की रोशनाई सफ़ेद रंग के पेज पर चमकने लगी थी। बहुत खूबसूरत सा बर्थडे केक ड्राइंग करने के बाद इसने नीचे हैप्पी बर्थडे जई लिखा। इसके सामने वाले सफ़े पर इसने स्याह रंग की रोशनाई वाला कलम घसीटा। मेरी घड़ी तो तुमने उतार दी होगी ना, मेरा बनाया गाजर का हलवा अब अपना जायका खो चुका होगा। मेरी तस्वीरों की जगह चंद नई तस्वीरें तुम्हें गुड़िया जैसी लग रही होंगी। गर्ज, ईशे का हर नक्श मिट चुका होगा अब तक, मगर सही तुम्हारी पहनाए गई पायलों की खुशबू मुझे अभी भी अपने पैरों से उठती महसूस होती है। वो सुर्ख चूड़ियाँ मैंने उतार दी हैं कि जब वो छनकती हैं तो तुम्हारे जख्म मेरे अंदर रुसने लगते हैं, मेरी नोज रिंग मेरा मुंह चुराती है। तुमने मुझे किसी से बदल दिया है, मगर मैं तुम्हें वहाँ से इंच भर नहीं हटा पा रही जहाँ तुम थे। मैं रोना नहीं चाहती सही, कि आंसू बेरहम होते हैं, बददुआएं देने लगते हैं, पर सही आंसुओं को रोकते रोकते मेरा दिल बंद होने लगता है। मैं अपने आंसुओं से कहूँगी वो तुम्हें कुछ ना कहें, तुम हमेशा खुश रहना सही, हमेशा।
और इसके आसपास कहीं टूटे हुए दिल रकम कर दिए। डायरी के वर्क पर सुर्ख रंग की ग्रीटिंग्स नीले नाइट बल्ब की रोशनी में अफसर्दगी फैला रही थी। इसकी आंखों के जुगनू आंसुओं को कैद करते करते हार गए थे। दो कतरे दोनों आंखों ने सही की बढ़ते विष पर गिराए थे। कागज़ की सतह गीली होने लगी तो इसने डायरी बंद करके सर को डायरी पर गिरा लिया। अब वो बेआवाज़ रो रही थी। वो इश्नाल अब्दुल्ला थी। हर बार इसे नए अंदाज से विश करती थी। नेक्स्ट सीन, एबटाबाद में पुराने तर्ज की बनी इनकी हवेली सड़क के किनारे खड़ी थी। यही वजह थी कि इस रास्ते से गुजरने वाले बहुत से अजनबी मुसाफिर इनकी हवेली का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते और चल देते। कई बार अजनबी औरतें इनकी हवेली में रेस्ट करने आती। वो अक्सर अम्मी से कहती, अल्लाह जाने अम्मी, हम अब तक कितने दहशत गर्दों को पानी पिला चुके हैं। जिस पर आसिया खातून कहती, पानी पिलाना सवाब है, फिर चाहे कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। हमेशा की तरह किसी शाम दो अजनबी औरतें इनके घर कुछ देर रेस्ट के लिए आईं। अगले दिन वहीं दो औरतें इश्नाल का रिश्ता लेने आ पहुँचीं। इन दोनों में एक खासी उम्र रसीदा खातून थी, जबकि दूसरी आप ही जितनी थी। वो खासे अमीर घराने की दिखती थी। अपने अब तक के आने वाले रिश्तों का सुन सुन कर इसके कान पक चुके थे, इसलिए वह इन बातों पर गौर ही नहीं करती थी। 3 महीने में इनके कोई 9-10 चक्कर लग चुके थे। काफ़ी मुस्तकिल मिजाज लोग थे। कहते हैं ना कि जब कोई रिश्ता आसमानों पर लिख दिया जाता है तो ज़मीन वालों के दिल में अल्लाह खुद ही इसका ख्याल डाल देता है। इश्नाल की पूरी फैमिली को वो रिश्ता बहुत पसंद आया था। अब बारी इश्नाल की मर्जी पूछने की थी। ब्रिगेडियर का पोता, कर्नल का बेटा, कैप्टन का भाई, खुद भी पायलट, बाहर इसे फौजियों के ख़ानदान में जा रही हो। अशिया इसे इस नए रिश्ते से मुतलिक मालूमात फराहम कर रही थी, जिसे इश्नाल हमेशा की तरह उकताए हुए अंदाज में सुन रही थी और सामने लेटी अशिया की नन्ही हुरेन को सरीले खिलाई जा रही थी। मैंने किसी फौजी से शादी नहीं करनी, हमेशा की तरह इनकार हुआ। अभी बहाना आना बाकी था। ले, पाकिस्तान की आधी कुड़ियां फौजियों के लिए मरी जा रही हैं, इधर अपनी ईशे मैडम के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। अशिया ने बेयकीनी से देखा, नखरे नहीं कर रही, बस इनकार कर रही हूँ। इसने तस्दीक की, इनकार का रीज़न, फौजी है तो शहीद हो जाएगा, तो मैं बेवा हो जाऊँगी। शरारती हुरेन ने इसके हाथ से स्पून पकड़ने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में चम्मच में भरा सफूफ नैपकिन पर गिरा था। इश्नाल ने इसे गोड़ी दी, जिस पर वो खिलखिलाई। बेवा नहीं, शहीद की बेवा कहलाओगी, पागल। कुछ भी है, मैंने इतनी जल्दी बेवा नहीं होना। कह तो ऐसे रही हो जैसे तुमने जाते ही बेवा हो जाना है। अशिया को यह भोंडा जवाब हजम नहीं हुआ था। हाँ तो फौजियों की ज़िंदगी का क्या भरोसा, बस मेरी तरफ से इनकार है। हुरेन का पेट भरने के बाद अब वो नैपकिन उतार रही थी, कैसे कमरे में दाखिल होती अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। मलेशिया वाले से शादी नहीं करनी, फ्रॉडियो होते हैं। डॉक्टर से शादी नहीं करनी, इनसे मेडिसिन की स्मेल आती है। फौजी से नहीं करनी, शहीद हो जाते हैं। इससे पूछो उस मुए किताबों वाले से करा दो इसकी शादी, सारा दिन किताबें पढ़ती रहती है। और तो इन दोनों को और कोई काम ही नहीं है। वो मुआ किताबें दुकान पर सजा सजा कर रखता है, ये वहाँ से उठाकर घर में सजा लेती है, अम्मी नहायत गुस्से में बोली थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरा महीना है, उस देश ने डाइजेस्ट लाने ही छोड़ दिए हैं। मुझे तो लगता है आपने इसे मना किया होगा। अम्मी इसकी बात को इग्नोर करती कमरे से अपना चश्मा उठाए निकल गई। शुक्र करो अम्मी को देश का मतलब नहीं पता, वरना तुम्हारी कमर होती और अम्मी की बाटा की जूती होती, ठा करके बचती। फिर वो दोनों हंसने लगी। इन्हें हंसता देख कर हुरेन की कलकारें भी कमरे में गूंजने लगी थी। रोते रोते हंसती हूँ फिर रोती हूँ, इश्क ने कैसी मुझको सजा दी शहजादे। नेक्स्ट सीन, इशा की नमाज के बाद इसने सलाम फेरा तो साथी पायलट फैजान दी कि घर से इसके लिए कॉल आई है। इसने बाबा के नंबर पर कॉल बैक की। कैसे हो शाह, करम है अल्लाह का, आप सुनाएं, यहाँ भी सब ठीक है। वो बाबा, कोई जवाब आया वहाँ से? नहीं शाह, अभी तक तो कोई मौसर जवाब नहीं आया। तुम्हारी दादू और भाभी गई थी, आज फ़ोन नंबर लाई हैं, अब देखो क्या जवाब आता है। बाबा, अगर इनकार हो गया तो?
कैप्टन मायूसी वाली बातें नहीं करते। उन्होंने शाह की नेगेटिव सोच को टोका। अगर अल्लाह ने इसे तुम्हारे नसीब में लिखा है, जो कि मुझे लगता है कि वाकई लिखा है, तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। टेंशन ना लो, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस्ड रहो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। वो अजम से मुस्कराया और चंद बातों के बाद फ़ोन बंद करके सोने लेट गया। पहले इसके ख्वाब इसे सताते थे, अब वो खुद ख्वाब देखना चाहता था। नेक्स्ट सीन। इसकी गुलाबी मायल रंगत में सर्दियाँ घुल गई थी। हाथों की नीली रगें उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। इसके जिस्म का गोश्त गल सड़ गया था। आंखों के गिर्द हल्के वासे दिखाई देते थे। खाने बैठती तो खाना देखकर इसकी भूख ख़त्म हो जाती। सुबह स्कूल जाती, शाम में ट्यूशन पढ़ाती, छुट्टी का सारा सारा दिन लेटे लेटे गुजार देती। दुनिया से कतअ ताल्लुक़ कर चुकी थी। बहनों के घर भी नहीं जाती थी। वो मर नहीं सकती थी, ये तो तय था। अपनी ज़िंदगी के दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। माइग्रेन ने आज फिर इस पर हमला किया था। यूँ लग रहा था जैसे कोई इसके सर पर हथौड़े से ज़रबे लगा रहा है। सर को दोनों हाथों में जकड़े, कभी वो मुक्के मारती, कभी तकिए को सर पर रख कर लेट जाती, कभी इसे कह आने लगती, इसका जिस्म कांपने लगता। इस कदर शदीद दर्द इसे हमेशा लगता है कि वो आज मर जाएगी। इस दर्द ने इसकी आधी जान ख़त्म कर ली थी। मेडिसिन लेने पर बाज़ औक़ात आराम ना आता, तीन तीन दिन गुजर जाते, वो यूं ही बेसुध पड़ी रहती। वो यकीन से कह सकती थी कि इसकी मौत माइग्रेन से ही लिखी है। नेक्स्ट सीन। पूरे घर की सफाई ख़त्म करने के बाद वह इस आखिरी कमरे की तरफ बढ़ी, जो खास मेहमानों के लिए मुख्तस था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही कोई जाने पहचाने खुशबू इसकी सांसों से टकराई। इसके मुंह से बेख्तियार निकला, बाबा। सिगरेट की खुशबू ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में रखा था। इसे कारपेट पर नज़र दौड़ाई। इस ट्रे में 3 से 4 अधजले सिगरेट के टुकड़े पड़े थे, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई आया था। वह एस्ट्रे उठाकर रूम से बाहर निकल आई। अम्मी अम्मी अम्मी, ये सिगरेट, कोई आया था क्या? हाँ, शाह आया था कल। अम्मी ने सब्जियाँ काटते मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। शाह, ये नाम सुन सुनकर उसके कान पक चुके थे। चेहरे पर नागवारी तराई, इसे लब भेज लिए। वो पलटी और एस ट्रे में पड़ी राख को डस्टबिन में झाड़ा। इसका बस नहीं चल रहा था कि एस ट्रे भी कूड़ेदान की नज़र कर दे। फिर वो रूम में दाखिल हुई। फिर से खुशबू ने इस्तकबाल किया। वो खुशबू अभी थोड़ी देर पहले इसे भली लग रही थी, वहीं अब कड़वे धुएं की जैसी महसूस हो रही थी। इसने जल्दी से रूम की सफाई की और खिड़कियों के पर्दे हटाकर फैन फुल स्पीड में चला दिया और खुद बाहर निकल आई। वो समझती थी कि इस तरह करने से कमरे से इसके सिगरेट की खुशबू चली जाएगी, मगर शाह की खुशबू ने इसके घर का रास्ता हम सफ़र कर लिया था। नेक्स्ट सीन। इस रिश्ते का दबाव इस पर बढ़ने लगा था। सभी राजी थे, माँ सिवाय इश्नाल के। अशिया हर हफ्ते से मनाने आती, मगर इसकी ना हाँ में नहीं बदलती। आज भी वो जाते हुए कह गई थी कि इश्नाल, शाह तुमसे बात करना चाहता है, इस नंबर से तुम्हें कॉल आएगी, उठा लेना। और इसे साथ हिदायत की गई थी कि अच्छे अल्फाज ही मुंह से निकालना, फौजियों की रिस्पेक्ट हमारा फ़र्ज़ है। 2 दिन लगातार इसी नंबर से इसे कॉल मिली, जिसे वो इग्नोर करती रही। अभी वो रात का खाना बनाकर किचन से निकली ही थी कि इसका सेलफोन बज उठा। स्क्रीन पर वही नंबर लहरा रहा था, जिसे वो जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, मगर आज इसे आखिरी फैसला करना था, आर या पार। इसे कॉल रिसीव की। भारी मर्दाना आवाज़ में सलाम हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सैयद सिकंदर शाह कहते हैं। गालिबन इस नाम से तो आप वाकिफ़ होंगी ना, कैसी हैं आप? ठहर ठहर कर किए गए सवालात पर वो फट पड़ी। किसी की ज़िंदगी को अजाब बनाकर इससे ये मत पूछें कि वो कैसी है। इसमें कोई शक नहीं था कि वो गुस्से की बहुत तेज़ थी। शाह खामोश रहा। माजरत के साथ, मगर आप जैसा ढीठ शख्स मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। अपनी इस इज्जत अफजाई पर वह मुस्कराया। इसे इश्नाल अब्दुल्लाह के बारे में तफसीलन बता दिया गया था और वो कुछ था भी फौजी बंदा, ऐसे हमलों के लिए तैयार रहता था। आप मुझे इनकार का सो कॉल्ड रीज़न बता सकती हैं? मैं आपको कुछ भी बताने की पाबंद नहीं हूँ। वो समझ सकता था कि इसका पाला इसके मुल्क की तरह सर फिरे
हरीफ से हुआ था, मगर अपने इस सरफरे हरीफ को किस तरह डील करना है वह अच्छी तरह जानता था कि वो एक फौजी था। तो फिर ठीक है, आपके किसी इनकार से मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये निकाह नहीं रुकवा सकता। शाह ने अपना मौक़फ पेश किया तो इश्नार का खून खौल उठा। कोई भी मर्द किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसके दिल में कोई और रहता हो। आखिरकार वो सच बोल ही पड़ी। शाह के अंदर कुछ टूटा, शायद दिल, मगर नहीं, इसे हिम्मत नहीं हारनी थी, मुझे कोई इशू नहीं। वो हर तरह से तैयार था। धीमे लहजे में वो अपना असर छोड़ कुछ देर तक कुछ ना भूल सकी। आपने शायद ठीक से सुना नहीं, या शायद मुझे सुनने में गलती हुई थी कि फौजी गद्दारों से रवातिब नहीं बढ़ाते। एक फौजी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि इसकी बीवी इसे छोड़कर किसी और को याद करे। वस्ते ज़ाया मुस्कराई। बिल्कुल, हमारे शोबे में गद्दारी की सज़ा मौत है, और मैं अपनी बीवी को कभी इस काम की इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इश्नाल सैयद बन जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगी, क्योंकि आप किसी के निकाह में होंगी और निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन के आगे बाकी सारी चीज़ें बेमायने रह जाती हैं। हाँ, इसकी हंसी में तंज था जिसे वो महसूस कर चुका था। कई साल में जिसे एक लम्हा नहीं भूली, इसे बस नाम के साथ सैयद लगाने से भुला दूंगी। सलाम है आपकी सोच को कैप्टन शाह। कैप्टन शाह पर इसका दिल धड़का। वो मुस्कराया तो गालों पर पड़ने वाले भंवर भी बोल उठे। जो शख्स आपके दिल का सुकून खा जाए, इसे आपके दिल में रहने का भी कोई हक नहीं है। इसने अपना अनोखा सा नाम एक अजनबी के मुंह से सुनकर इसे बहुत बुरा लगा। इसे स्पीकर से उठने वाली शायस्ता आवाज़ के पीछे छुपी बदसूरती जाने वाले लहजे में बोली, ये मेरा दिल है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि इसमें किसे रहना है और किसे नहीं। आपके लिए इतना काफ़ी है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, समझे आप? जी बेहतर। इश्नाल ने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद हुआ तो शाह ने एक आह भर कर बादलों में छुपन छुपाई खेलते चांद को देखा और मुस्करा दिया। जिस बात का इसे गुमान था, इस पर यकीन की मुहर लग गई थी। इसकी पागल आंखों वाली लड़की का दिल इसका नहीं था, हाँ, मगर वो थी इसी के लिए, और बहुत जल्द इसका फैसला होना था। नेक्स्ट सीन। वो लॉन में टहल रहा था जब अपने पीछे से कर्नल साहब की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है शाह, इस वक्त यहाँ नींद नहीं आ रही बाबा, इससे बेबसी से कहा। यहाँ टहलने से क्या नींद आ जाएगी, सोने की कोशिश में ही ये टाइम हो गया है, अंदर दम घुट रहा था इससे यहाँ आ गया। मुझे नींद नहीं आ रही पापा, मैं सोया नहीं तो वो ख्वाब में कैसे आएगी। तो शाह को आदत हो गई है उसकी। कर्नल साहब मुस्कराए। आदत नहीं पापा, वो तो ऐसी है कि बस इससे मोहब्बत की जा सके। आदत छोड़ने का मन करता है, पर मोहब्बत हो तो छूट जाने का खौफ ही गुनाह लगता है। तो फिर बेचैनी कैसी, जाकर कह दो उसे वो किसी और से मोहब्बत करती है पापा, शाह ने थके हुए लहजे में बताया। तुम्हें किसने बताया, उसने खुद? तो क्या वह उसके साथ है? मुझे नहीं लगता पापा, अगर उसके साथ होता तो यह हालत ना होती उसकी। इसे किसी ने तोड़ दिया है पापा। तो तुम छोड़ दो उसे? लेकिन मुश्किल बल्कि किसी हद तक नामुमकिन है। लड़कियों का दिल शीशे की तरह होता है, टूट जाने पर किरचा नहीं छोड़ पाता। अरे दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, और तुम्हें तो खुदा ने खुद रास्ता दिखाया है। जब खुदा रास्ते देता है तो सारे असबाब खुद ही पैदा करता है। तुम हिम्मत ना हारो, इस पर यकीन रखो। वैसे हौसला दे रहे थे, हिम्मत बंधा रहे थे, पर बाबा किसी के दिल से किसी को खुरश कर खुद की जगह बनाना नामुमकिन होता है। तो फिर क्या करोगे, सारी उम्र यूं ही ख्वाब ही देखते रहोगे? कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, क्या करूँ। इसके चेहरे पर फैली बेबसी से बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ शाह, शायद तुम्हारे लिए फ़ैसला करना आसान हो जाए। और वो सवाले निकाह से बाबा को देखने लगा। वो बोले, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा आज जो दिल में आए मांग लो, आज मैं बहुत खुश हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने सुना तो शशपंच में मुब्तला हो गई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। काफ़ी सोच विचार के बाद अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने वालिद मोहतरम से मशवरा कर सकती हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़रूर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर तशरीफ़ ले गई और जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु
کو ساری صورتحال بتا کر مشورہ مانگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ معراج کے وقت جب آپ عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں باتیں ہوئی تھیں، جہاں نہ جبرائیل علیہ السلام تھے نہ کرامن کاتبین وغیرہ۔ ان میں سے صرف ایک بات بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں اور آ کر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کے وقت جب آپ عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ کی اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں باتیں ہوئی تھیں جو آپ اور اللہ کے علاوہ کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، وہ باتیں تو راز کی تھیں، لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے اس لیے ایک بات ضرور بتاؤں گا۔ میں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ تجھے اپنے بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، تو اللہ نے کہا، جب میرا کوئی بندہ کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تب اس کا یہ عمل مجھے ہر عمل سے زیادہ پسند ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر انہوں نے شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جاؤ نماز پڑھو اور سونے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ مسکرائے، شاہ سر ہلاتا ہوا روم کی طرف بڑھا۔ نیکسٹ سین۔ صبح سے اس کے سر میں شدید درد تھا جس کی وجہ سے وہ بستر پہ لیٹی تھی۔ تکیے کو سر پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے جکڑا ہوا تھا۔ دونوں بہنیں اشنال کے آس پاس بیٹھی تھیں۔ ہو بہو ڈین ونچیسٹر کی ڈپلیکیٹ ہے، قسمیں، وہیں کھڑی مغرور ناک، وہیں باڈی، گال پر پڑتا ڈمپل، وہیں ٹور، وہیں ڈین ونچیسٹر جیسا ایٹیٹیوڈ۔ آپ نے اس کی بات کاٹی، ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، بس وہ کم گو ہے۔ ہاں لیکن سوٹ کرتا ہے ایٹیٹیوڈ سے، فوجی ہیئر کٹ، اسٹائلش سی ویڈ۔ وہ دوبارہ بولی، بس آنکھیں ڈین ونچیسٹر جیسی نہیں ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، سید ازمیر شاہ کی، واللہ ہالی ووڈ کا ہیرو ہے ہیرو۔ اور اشنال تکیے میں منہ دیے ہی اکتا ہوئے لہجے میں بولی، اور بولی بھی تو کیا بولی، ہالی ووڈ کے ہیرو کے کرتوت بھی ہالی ووڈ جیسے ہی ہونے ہیں۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر آپ ہی شروع ہوئی، نہیں اشنال، ماشاء اللہ پاک ایئر فورس میں اپنے بٹالین کا کیپٹن ہے، بہت ذہین اور ڈیسنٹ لڑکا ہے، ہم مل کر آئے ہیں اس سے، کوئی بری عادت نہیں ہے اس میں، فوجیوں میں بری عادتیں ہوتی کہاں ہیں، کیا پرسنالٹی ہے یار، میں تو فوجی یونیفارم میں سے دیکھ کر ہی گش کھا رہی تھی، اشیا اس کی خوبصورتی سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھی اور تکیے کو گود میں رکھ لیا۔ اشیا، کاش میں تمہیں یہ کہہ سکتی کہ تم ہی شادی کر لو اس ڈین ونچیسٹر پلس فوجی سے۔ اشنال نے منہ بنایا، اگر مجھے یہ پہلے مل جاتا تو میں ایک منٹ نہ لگاتی ہاں کرنے میں۔ اس نے افسوس کیا، وہ لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی نے بم پھوڑا، خدا کے لیے آپ ہی بس کر دیں، نہیں کرنی مجھے کسی خوبصورت لڑکے سے شادی۔ خوبصورت چہروں نے ماسک پہنا ہوتا ہے، جب ہم اپنا ماسک اتارتے ہیں نا تو اندر سے بھیڑیے نکلتے ہیں، بھیڑیے، اور بھیڑیے کھا جاتے ہیں ہمارے خواب، ہماری خوشیاں، ہمارا سکون۔ وہ چلا اٹھی تھی، ناولوں نے تمہارا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، ہاں البتہ آپ لوگوں کے دماغ ہل گئے ہیں، ایک تو سر کا درد، اوپر سے یہ شاہ کا بکھیرا۔ وہ تنگ آ گئی تھی، برائی کیا ہے اس رشتے میں؟ آپ ہی نے وجہ پوچھی، آپ ہی دو اجنبی عورتیں ایک دن ہمارے گھر ریسٹ کرنے آئیں، اگلے دن رشتہ لے کر آ گئیں، اور صدقے جاؤں اپنے گھر والوں کے جو ان کی خوبصورتی، دھیمے لہجے، امیری فوجی خاندان پر دل ہار گئی، یعنی کہ حد ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اشنال ایسا رشتہ تمہیں چراغ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، آپ ہی مجھے اندھیرے ہی بھلے ہیں، آپ میری شادی اسی محلے کی کسی ٹرک ڈرائیور، کسی نان والے یا پھر کسی موٹر مکینک سے کر دیں، مگر اس کیپٹن شاہ سے نہیں۔ مجھے محلوں میں نہیں رہنا آپ ہی، مجھے زمین پر ہی رہنے دیں۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی، انتہائی کوئی بھونڈا جواز ہے اشنال، امی سے کہتی ہوں نکاح کی ڈیٹ فکس کر دیں، ہماری لڑکی کا تو دماغ چل گیا ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ اشنال کی آواز پر رک گئی، سن لیں آپ، میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا کوئی، اسے دھمکاوا دیا تھا۔ کس سے کرو گی پھر شادی، کس شہزادے کی آس میں بیٹھی ہو، کوئی ہے تو بتاؤ۔ وہ سناٹوں کی زرد میں آ گئی تھی، اور وہ کیسے بتاتی، کوئی تھا تو صحیح، مگر اس نے کبھی ایسا اختیار، ایسا حق اسے دیا ہی کب تھا کہ اس کا نام لے سکتی۔
वो तो बस एक बेनाम सा रिश्ता था, लफ्ज़ों का फेक से ताल्लुक, आवाज़ और चंद टेक्स्ट मैसेजेस का रिश्ता। इतनी बोझ हो गई हूँ मैं आप लोगों पर, तो जहर देकर मार क्यों नहीं देते? आज अगर बाबा जिंदा होते तो कोई मेरे साथ यूँ ना करता। आखिर में इसकी आवाज़ नमी घोल लाई थी, अभी वो मुड़ी ही थी कि अशिया की चीख से वापस पलटी, अम्मी! दोनों बहनें भाग कर अम्मी के पास पहुँची। आसिया खातून की सांस उखड़ने लगी थी, इन्हें फिर अटैक पड़ा था। अभी इसने इहाने के लिए उठाया ही था कि आपी की आवाज़ इसे सख्ते में छोड़ गई थी। अगर अम्मी को कुछ हुआ तो याद रखना इश्नाल, इसकी जिम्मेदार तुम होगी। वो लोग अम्मी को लेकर दरवाज़ा उबूर कर दे, सख्ता टूटा और वो ज़मीन पर बैठती चली गई। नेक्स्ट सीन। सफ़ेद रंग के कॉटन के सादा से सूट में बिना किसी मेकअप के सर पर सुर्ख रंग का सरतार दुपट्टे का लंबा सा घूंघट लिए इसे सोफे पर बिठाया गया था। निकाह के पेपर्स इसके सामने रखे थे, कुछ अपने इसके आसपास खड़े इसकी हाँ के मुंतजर थे। वो मुट्ठियों को सख्ती से भेंचे बैठी थी कि किसी ने ज़बरदस्ती इसकी मुट्ठियाँ खोलकर कलम पकड़ाया। इसकी नज़रें पेपर से हटकर कलम पर जा रुकी। कितनी अजीब बात है ना, ऐसे ही एक कलम से अपनी ज़िंदगी के अनगिनत सालों के हर दिन में जाने कितनी बार वो सई का नाम लिखती आई थी। ऐसे ही एक कलम से कई बार सई ने भी इसका नाम लिखा था, मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के न हो पाए थे। एक ये कलम था जिससे बस तीन बार अपना नाम लिखकर ख़ुद को मुकम्मल किसी और के अख्तियार में दे देना था। इस तीन बार लिखे नाम ने हजार बार लिखे सई के नाम को महज चंद मिनटों में खाक बनाकर उड़ा देना था। इश्नाल, इसे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने इसे हिलाया, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। इसने कलम की नोक को कागज़ पर एक मरतबा घसीटा था जैसे किसी ने इसे आरे से काट लिया हो। आज से पहले इसे अपना आप, अपना नाम कभी इतना बुरा नहीं लगा था। फिर इसने कलम को दूसरी बार कागज़ पर घसीटा और सई की इश्नाल को मर जाने दिया। तीसरी बार इसके नाम के साथ कुछ आंसू भी निकानामे में जब्स हो गए थे। वह अब कभी इश्नाल सई नहीं बन सकती थी क्योंकि वो इश्नाल सैयद बन गई थी। कैप्टन शाह जीत गया था, इश्नाल अब्दुल्ला हमेशा के लिए हार गई थी। नेक्स्ट सीन। वो दुपट्टे को खुद पर फैलाए आंखों पर बाजू रखे लेटी थी जब अशिया इसके पास आई। आपके शाह साहब तो खासे उतावले साबित हुए हैं, इसने आंखों से हाथ नहीं हटाए। मैंने उड़ती उड़ती सुनी है वो बड़ों को राज़ी कर रहे हैं कि जनाब हमें अपनी मिसेस शाह से मिलने दिया जाए। इसने एकदम आंखों से हाथ हटाए और बेयकीनी से अशिया को देखा। और बड़े मान गए हैं, अशिया बड़े आराम से बोली, क्या दिमाग ख़राब हो गया है सबका, पता नहीं क्या दम पड़ता है सब पर। वो अशिया को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अब तो हो गया दम दुरूद, अब तो मिलने की तैयारी करो। मैंने किसी से नहीं मिलना, जो सब चाहते थे वो कर लिया मैंने। खुदारा मुझ पर इतना जुल्म करें जितना मैं सह सकूं। वो रो देने को थी। वो तुमसे बात करना चाहता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्या ये काफ़ी नहीं है कि मैं इससे नहीं मिलना चाहती? उसकी ख्वाहिश है ये, हम उसे नाराज़ नहीं कर सकते। मेरी ख्वाहिश, मेरी मर्ज़ी, मेरा सुकून, मेरी खुशी कोई क्यों नहीं पूछता? सबको वही नज़र आ रहा है, मैं क्यों नज़र नहीं आती किसी को? इसकी आवाज़ कांप रही थी। बस अब वो आ रहा है, खुदा के लिए ढंग के अल्फाज मुँह से निकाल लेना, नहीं निकाल सकती तो चुप रहना, फौजियों से बेरक्षा नहीं होता। इसे वार्न करके वो खुद कमरे से निकलने लगी थी कि इश्नाल बोल पड़ी, मैं सर फाड़ूंगी उसका अगर इसने यहाँ कदम रखा तो। फौजी है, खुद निपट लेगा तुमसे। वो बुरी तरह फंसी थी आज, आज इसकी आंखों के जुगनू घबरा गए थे। सॉरी बाबा, मैं सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और सुनो, ये फाड़ खाने वाले अंदाज में से ना देखना, इंडियन तैयार समझ के मार गिराएगा। इसे मुश्किल में डालकर अशिया खुद चली गई थी। सीन। इश्नाल ने ज़मीन पर पड़े दुपट्टे को उठाकर सर पर जमाया और अच्छी तरह खुद पर ओढ़ लिया। अभी वो किसी वास वगैरह की तलाश में कमरे में नज़र घुमाने लगी थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उछल पड़ी, टेबल पर पड़ी गुलाब जामुन से भरी प्लेट आई जो उसने उठा ली और दीवार की जानेब रुख मोड़े खड़ी रही। दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। छुरी पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई,
फिर कदमों की आवाज़ इसके करीब आकर रुक गई। हाँ, कैप्टन शाह के इस्तकबाल का तरीका अच्छा है, आई लाइक इट। गंभीर आवाज़ ने इसके गिर्द हिसार बांधा था। शाह ने इसकी छुरी वाली कलाई थामी तो इस लम्स पर वो कांपी और छुरी हाथ से छूट गई। वैसे किसी भी लम्स से नावाकिफ थी, पहली बार किसी मर्द का लम्स महसूस हुआ था इसे। इस लम्स पर इसे बहुत ताव चढ़ा था। बस इतनी जल्दी सरेंडर? कैप्टन शाह की वाइफ से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, उसे चैलेंज कर रहा था। वो जो सोच बैठी थी कि कैप्टन शाह के चारों तबक रोशन कर देगी, इसके खुद की आंखों के तारे नाच उसने भरपूर कलाई छुड़वा ली। देखिए आप, इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही शाह ने इसका बाजू पकड़ कर इसका रुख अपनी तरफ किया। इस अचानक झटके पर वो पलटते ही सीधा शाह के कंधे से अचानक लोन का एक तूफान इसके नथनों से टकराया तो मधोश कुन खुशबू मिर्चों की तरह इसके दिमाग पर चढ़ गई। दिमाग गुस्से से झुंझुना उठा, दुपट्टा सर से सिरक कर कंधों पर गिर गया। कुछ आवारा लटें चेहरे पर झूल गईं। गुस्से से जबड़े भेजे इसने चेहरा ऊपर उठाया। देखें, शाह ने इसके दोनों बाजू सख्ती से जकड़ रखे थे। अब इसका चेहरा शाह के ऐन सामने था, वो चेहरा जो ख्वाब दर ख्वाब इसकी आंखों में रहा था, वो चेहरा जिसे इसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, वो पहली बार इसे देख रहा था। सारे ख्वाब एक एक करके इसकी आंखों में उतर आए थे। इन आंखों ने कई रातें जगाया है, इस चेहरे को देखने के लिए कई रातें सो नहीं पाया मैं। आपने कैप्टन शाह को ऑन द ड्यूटी डिप्रेशन में रखा है, पागल आंखों वाली लड़की। फिर वो संभला, मुझे मालूम होता आप भी मुझे देखने के लिए बेताब हैं तो ऐसी कोशिश पहले ही कर लेता। वो मुस्कराया तो इसके गाल का डिम्पल और गहरा हो गया। वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे, मगर दोनों के देखने में फ़र्क था। एक इंतहाई गुस्से में देख रहा था जबकि दूसरा इंतहाई मोहब्बत से। वाइट कुर्ते में ब्लैक वेस्टकोट, फोल्ड कफ, सिल्वर घड़ी, फौजों सा हेयर कट, स्टाइलिश ब्रियड, गालों पर पड़ता डिम्पल जो चीज़ से सबसे मुनफरद बनाती थी आँखें थी। ऊंचा लंबा भरपूर कद काठ का मालिक कोई भी लड़की आंखें बंद किए इसे अपने लिए मुंतखब कर सकती थी। इसके पास से उठती इटर्नल खुशबू ने कमरे में तसल्लुत जमा लिया था। इसने पागल आंखों वाली लड़की के अधूरे चेहरे को मुकम्मल देख लिया था, मगर इश्नाल ज़्यादा देर इसकी नीली आंखों में देख नहीं पाई थी। आंखें बंद करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो बेबस थी। बिला आखिर वो अपनी झूठ में लौटी और चीखी, छोड़े मुझे। फौजी दुश्मन को नहीं छोड़ते, अब तो फिर अपनी जान है, वो बेबाकियों की इंतहा पर था। जबकि इश्नाल सोच रही थी कि फौजी भी ठरके होते हैं, एकदम फौजियों से इसे बेर होने लगा। हाँ अलबत्ता, अगर आप आंखें खोल कर रिक्वेस्ट करें इस तरह के कैप्टन होश में आए तो मुमकिन है मैं आपका बाजू छोड़ दूँ। वो इसे आप तंग कर रहा था जानकर इश्नाल का जब्त जवाब देने लगा था तो इसने एक और कोशिश की खुद को छुड़ाने की। इस बार शाह ने इसके दोनों बाजू कमर के पीछे ले जाकर एक हाथ में जकड़ लिए और दूसरे हाथ से इसकी थोड़ी को उंगली से छूकर चेहरा ऊपर उठाया। इश्नाल ने फिर आंखें बंद कर ली। वो आई कांटेक्ट में सिफर थी। वो मुकाबिल अगर शोक गुस्ता खाना नीली आँखें हों तो अल्लाह अल्लाह। वो मुकम्मल तौर पर शाह के रेमो करम पर थी, जाने शाह पागल आंखों वाली लड़की। बारी बारी से दो यूनिक नेमों से पुकार कर शाह इसका और बारी बारी इसकी दोनों आंखों पर अपने लब रखे। अपने बंद आंखों पर शाह का लम्स इसकी सांसें रोक गया था। वह सिचुएशन के लिए हरगिज तैयार ना थी, इसे गुमान ही नहीं था कि इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। फिर वो ऊपर उठा, इसने देखा वो रो रही थी, बंद पलकों के किनारे भीगे हुए थे। मैं सॉरी नहीं करूँगा, ना मुझे पछतावा है कोई, ये सब ज़रूरी था ताकि आपको एहसास हो कि पहले जो कुछ भी था मगर अब आप जाने शाह हैं। आंसू पलकों से टपके तो शाह ने इन्हें अपने पोढ़ों पर समेट लिया। क्या की अमानत, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर शाह ने इसे खुद से अलग किया और मुस्कराते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। पहले इसके गिर्द लिपटा दुपट्टा ज़मीन पर गिरा, फिर वो खुद कटे हुए टहनी की तरह ज़मीन पर गिर दी गई।
आंसुओं के साथ सिसकियां तेज़ होते होते चीखों में बदल गईं। गुलाब जामुन की प्लेट उठाकर इसे दीवार से मारी। अपनी आंखों को सख्ती से रगड़ा मगर लम्स कोई मेल तो नहीं था जिसे धोकर रगड़ कर मिटाया जा सकता। उस रात भी वो रात थी। कुछ देर पहले नींद से वो देर तक रोती रही थी। इधर कैप्टन शाह निकाह के बाद मसरूर सा सबसे बारी बारी गले मिलकर वापस एयरबेस चला गया था। वो अपने यकीन पर मोहर लगा गया था कि इसका ख्वाब अब कोई नहीं छीन सकता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, मगर अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थी इश्नाल अब्दुल्ला, जो इश्नाल सैयद बन जाने के बाद भी वैसी की वैसी थी।